गाड़ी अपने आप डूब गया यहाँ पे बरसात में और क्या फ्री सर्विसिंग। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग सीजन मोजन फ्रॉम बुलबुल डेकोरेशन अवरमपुर। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा रहोगे। तो गाइज पहले सैलून जाके आते हैं फिर दुकान जाएंगे। सो गाइज फाइनली आ गया मैं सैलून से जाकर। टोटल डेढ़ घंटा लगा गाइज, एक दुकान पे गया वहाँ पांच जन थे और एक के पास गया दो जन थे, फाइनली एक के पास गया एक ही जन थे तो जल्दी हो गया। सो गाइज रेडी फॉर शॉप, आज दुकान जा रहा हूँ बहुत लेट, टाइम अभी अप्रॉक्स 9:30 हो गया और आज हम जाएंगे स्कूटी लेने के लिए ब्लिंक कंपनी के, तो आज वही ब्लॉग होगा। और हाँ, आज गंगाधर की शॉप भी ओपन हो रही है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइज फाइनली मैं शॉप तो पहुँच गया, अब जा रहा हूँ मैं गंगाधर की शॉप। ये दुकान तो ओपन करता रहेगा साहिल, फर्स्ट गंगाधर के पास जाते हैं, वो बुला रहा है। So, finally, decoration तो कर लिया इन लोग। पूजा हो गया क्या गंगाधर? And I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Finally, बाहर से बैलून लगा दिया गया दिए। अच्छा दुकान से जा, चल चल चल। तो यहाँ पे तो डेकोरेशन चल रहा है, हम चलते हैं दुकान। सो रथ यात्रा को एक महीना हो गया, अभी तक रथ है गाइस यहाँ पे। फाइनली शॉप पहुँच गए हम, नाश्ते में बना है इडली और चटनी। फाइनली अभी हम जाएंगे न्यू स्कूटी लेने के लिए, तो वहीं पे चलते हैं डायरेक्ट, मैं दिखाता हूँ वहाँ पे। मस्त मस्त स्कूटी है, हमको भी जो पसंद आई है वो स्कूटर पैटर्न में है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। सो स्कूटी लेने अभी तक हम लोग गए नहीं है, 5 o'clock को जाएंगे, बिकॉज शुभ मुहूर्त नहीं था 11 बजे के बाद, इसीलिए नहीं जा पाए। तो 5 o'clock को जाएंगे, अभी तो फिलहाल खाना आया हुआ है, खाना खा रहा हूँ मैं, और खाने में क्या बनाया दिखाता हूँ। बैगन आलू की सब्जी विथ रोटी, तो आज दोपहर में रोटी खाया जा रहा है बिकॉज सर्दी जुकाम हो गया है। ये देखो रोटी बनाई है मम्मी ने आज, लग तो बहुत डिलीशियस रहा है, खा के देखते हैं। तो गाइस खाना कंप्लीट, अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock, तो अब मैं एडिटिंग करूँगा कल वाली वीडियो। ओके, तो जिस फोन से शूट कर रहा हूँ उसी फ़ोन में मैं एडिट करता हूँ, तो फिलहाल एडिट करता हूँ। सुबह गर्मी थी, धूप थी, अब बारिश स्टार्ट हो गई। सो यहाँ तो अभी बारिश स्टार्ट हो गई, देखिए गाइस गाइस बारिश जोरदार हो रही है। स्कूटी लेने जाएंगे बोल रहे थे, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे कुछ गारंटी नहीं है, बिकॉज बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है। ये देखो गाइस यहाँ बारिश होती है तो इस तरीके से होती है। तो गाइस टाइम अभी हो रहा है 4:10 और अभी फिलहाल बारिश बंद हो गई है, तो जैसे कि हमने बोला था कि हम स्कूटी लेने जाएंगे, तो गाइस लेट्स गो, वहीं जा रहे हैं अभी हम। सौरभ आने वाला है, वो जैसे आएगा फिर निकलेंगे। तो सौरभ तो आ गया, बुलेट में आया है, लेट्स गो। बरसात में पानी कैसे भर गया देखो। सो बारिश में पूरे खेतों में पानी भर गया है, ये देखो इस साइड और इधर भी भर गया है, पूरा ग्रीनी ग्रीनी, क्या मस्त दिख रहा है गाइस। एंड ये है हमारा कॉलेज जहाँ हम पढ़ते थे पहले। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए यहाँ पर। तो गाइस ये बाइक, ये स्कूटी भी मस्त है, पर चॉइस हमने वो वाली की है, रेड कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ये है मैट फिनिशिंग। सो गाइज ये हमने चॉइस की है गाड़ी, ब्लिंक कंपनी की है। ओके, और इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं वो भैया से, क्या क्या है। बैक डिस्क है, फ्रंट भी डिस्क है आई थिंक सो, या फ्रंट भी डिस्क है। सस्पेंसर कितना है भैया इसमें? इसमें डबल सस्पेंसर है, डबल ड्रम डिस्क ब्रेक है, 12 इंच का भी टायर है, जो कि आपको 200 से 300 किलो तक वेट भी उठा सकते हैं। 200 to 300 किलोमीटर मतलब किलो संभाल लेगा, मतलब आप चार आदमी बिठाने से भी वो गाड़ी। नहीं नहीं, चार अभी एलिजिबल नहीं है, दो जन के लिए एलिजिबल, लेकिन मतलब इसका 250 किलो का कैपेसिटी है जाने का, और इसमें
अच्छा, और कितना किलोमीटर तक जाएगा फर्स्ट अगर चार्ज करते हैं तो? एक बार चार्ज करने से 130 से 140 से 150 किलोमीटर रहेंगे। 150 किलोमीटर जाएगा। अगर इको मोड में जाएंगे, सेकंड गियर में जाएंगे। अच्छा, चार मोड रहता है। हाँ, अगर सेकंड इकोनॉमिक स्पीड में जाएंगे तो 150 किलोमीटर तक चला जाएगा। कंटिन्यू 70-80 स्पीड में जाएंगे तो आपको लगभग 120 से 130 आएगा। अच्छा अच्छा, और उसका एक सीट का बारे में बता देता हूँ, एक बैक सपोर्ट है जो कि आपको बैक पॉइंट भी पेन हो। लॉन्ग ड्राइव में अगर जाते हैं तो इधर पेन होता है, नहीं, नहीं। तो उसके लिए ये एक बेनिफिट है। ये चार्ज जो होता है कितना टाइम लेता है चार्जिंग में? 3.5 घंटा से ज़्यादा नहीं, 3.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। अच्छा, तो नाइट में अगर हम चार्ज लगा कर बिठा देंगे तो अपने आप बंद? ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, गाड़ी का फुल होने के बाद पूरा बंद हो जाएगा। और सर्विसिंग सब यहाँ पर है? सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट जो भी है आपको, जो भी है यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका तीन टाइप का लॉक आता है, एक चाबी पे आता है, दोनों आपका रिमोट पे आता है, हाँ। और तीसरा और एक रिमोट दिया है जो गाड़ी एकदम लॉकिंग हो जाएगा। और जो भी रिमोट चलेगा आपका, जैसे कार फ्यूचर का जो है ना, ऐसे पुश बटन में होगा। आपको मतलब कोई गाड़ी अगर आगे लेगा अभी तो ले नहीं पाएगा, जाम कर देगा, चक्का जाम कर देगा, जाम कर देगा, उसमें आवाज आएगा और गाड़ी खींचेगा भी नहीं। तो गाइस, चोरी नहीं होगा ये गाड़ी, फैसिलिटीज बहुत है इसमें। और इसमें स्पॉइपर वोल्ट बैटरी दिया है, आप बैटरी उठा के घर में लेके चार्ज कर सकते, गाड़ी के साथ भी चार्ज कर सकते। 2-in-1 पैटर्न है गाइस। सो गाइस, फाइनली हमने स्कूटी का फाइनल कर लिया है, ये वाली व्हाइट कलर की ले रहे हैं। तो मैं बताना भूल गया, ये गाड़ी ले रहा है एक्चुअली सौरभ, उसके पापा को दे रहा है गिफ्ट। तो उनका एक्सप्रेशन देखते हैं, शायद मैं जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, बट वो उनके पापा के लिए ले रहे हैं व्हाइट कलर की, उनका फेवरेट कलर व्हाइट है, उसके रिगार्डिंग। गाड़ी अपने आप रुक गया यहाँ पे बरसात में। और क्या, फ्री सर्विसिंग। सो गाइस, गाड़ी तो मस्त है, अब हम चला कर देखते हैं इसको। ओके, पेपर वर्क सब कंप्लीट हो गया है, देखते हैं क्या होता है। तो फोटोशूट का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें डबल डबल चाबी है, इवन रिमोट भी डबल दिए गए हैं। सो गाइस, ये गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, इसका टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं हम लोग। स्पीड कम है इसकी, 25 किलोमीटर से ज़्यादा जाएगी नहीं, तो एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं इसकी। सर्विसिंग के बाद 30 स्पीड हो जाएगी। गाइज, ये भी बहुत स्पीड चल रही है गाड़ी, मस्त है। तो गाइज, बैटरी हो गई डाउन, जो भी शूट करूँगा मैं दुकान जाके ही करूँगा। फिलहाल गाड़ी हमारी चॉइस हो गई है, ये वाली गाड़ी हम ले रहे हैं। ओके, लेट्स गो, बाय। तो गाइज, फाइनली हम पहुँच गए अपनी दुकान और गाड़ी वहीं रखी है, अभी हम पूजा करने के लिए लेके जाएंगे। गाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये रही हमारी गाड़ी, अभी तक नंबर प्लेट नहीं आया हुआ है। सो गाइज, 7 अगस्त को फ्रेंडशिप डे है, आप फ्रेंडशिप डे के दिन अगर फ्रेंडशिप बैंड चाहिए तो आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंडशिप डे के लिए कैसे सजाया गया है देखो गाइस, 3 एंगल लगाए गए हैं और मेरे पास फ्रेंडशिप फ्रेम्स भी हैं ये वाले। सो फिलहाल अभी हम आए हैं माँ भंडारकरणी मंदिर जी, गाड़ी को आप पूजा करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये रहा गाड़ी और माँ भंडारकरणी मंदिर, ये रहा, ये मेन रोड में है, यहाँ से हमारी शॉप अप्रोक्स 200 मीटर दूर है। तो गाइज, हमने सौरभ के पापा को किसी बहाने से कुछ काम से बुलाया हुआ है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम उनको गाड़ी गिफ्ट दे रहे हैं, उनके बर्थडे गिफ्ट, जो कि बर्थडे चला गया, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। सो फिलहाल वो तो आ तो गए हैं, बट देखते हैं बाहर से आएंगे क्या एक्सप्रेशन रहता है उनका। जा रहे भाई अंकल, नमस्ते। आपके लिए हैप्पी बर्थडे की बर्थडे दिन आने के आपके बर्थडे गिफ्ट है। बैटरी बैटरी गाड़ी है, पूरा बैटरी ऑपरेट। हाँ, देखो ना गाड़ी कैसा है। पूजा के लिए बुलाए हैं आपको, और कुछ काम के लिए नहीं बुलाया। कैसा है गाड़ी बताओ। हाँ, तो गाइस, पूजा करने की सामग्री सब आ गई है यहाँ पे, अभी ये पूजा होगी गाड़ी। सो हमारे साथ एक और गाड़ी पूजा हो रही है, पल्सर की, कोई भैया लेके आए हैं, भाई लेके आया कोई। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पर विद्या की शॉप पर।
स्कूटी तो एक्सीलेंट थी, उनके पापा को भी बहुत अच्छी लगी, उनके लिए सरप्राइज था। सौरभ के पापा ने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाड़ी मेरे को गिफ्ट देगा। मेरे को बार बार पूछ रहे थे कितने का पड़ा, पैसा तो है नहीं, कहाँ से लेके आया, बट उसने जमाए थे पैसे। स्कूटी की स्पीड एक्सीलेंट है, आई मीन बैटरी गाड़ी है बट लगती नहीं है, स्पीड उसकी बहुत अच्छी है। और ये स्कूटी चलाओगे तो लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, मतलब लाइसेंस जरूरी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर सामान थोड़ा बहुत तो लगा दिया है, ओवरऑल और अभी लगा नहीं हुआ है और लग ही जाएगा अभी तो फिलहाल। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, इवन वो स्कूटी भी अच्छी थी और उनको भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपको तो शोरूम तो दिखाया था, बढ़िया शोरूम है वो गाड़ी, वो जो बैटरी स्कूटी था। और फिलहाल अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो अभी तो मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगा, फिर इसको अपलोड कर लगाऊंगा, और अपलोडिंग के लिए मैं यहीं पर आता हूँ वाईफाई के लिए। तो गाइज इसके साथ मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right.